Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the Act 4 Scene 2 of Twelfth Night. And guys, is scene se pehle hum log ट्वेल्थ नाइट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स और कंप्लीट समरी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो इस सीन के पहले के सीन और एक्ट्स है वो भी समरी और एनालिसिस के साथ हमने डिस्कस कर लिए थे. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्ट फोर सीन टू की समरी और एनालिसिस. सो गाइज, अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बी ऑनर्स इंग्लिश, वहाँ पर जाकर आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं. और गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी. सो अगर आप लोग चाहते हैं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें. तो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन. सो गाइज, दिस सीन ओपन्स इन द हाउस ऑफ काउंटेस ओलिविया. सो गाइज, ये जो सीन है ये काउंटेस ओलिविया के घर से स्टार्ट होता है. इसका जो प्लॉट है वो ओलिविया का घर है. एंड मारिया मेक्स फेस्टे डिस्गाइज एंड आस्क हिम टू प्रिटेंड दैट ही इज द प्रीस्ट नेम सर टोपेज हु हैज़ कम टू विजिट मालवोलियो. सो गाइज, मारिया फेस्टे को बोलते हैं कि तुम अपने आप को डिस्गाइज कर लो एज अ प्रीस्ट और अपना नाम रखो सर टोपेज. और वो फेस्टे को क्यों बोलती है अपने आप को ऐसे डिस्गाइज करने के लिए, बिकॉज वो बोलती है फेस्टे को कि डिस्गाइज करने के बाद तुम बोलना मैं प्रीस्ट हूँ और मैं मालवोलियो से मिलने आया हूँ. एंड देन ओलिविया टोल्ड मारिया टोबी एंड क्रू टू टेक ऑफ द प्रीस्ट व्हेन इट सीम्ड दैट मालवोलियो हैज़ गोन. सो गाइज, ओलिविया बोलती है मारिया टोबी और जो भी इनका ग्रुप है उसे कि ठीक है, इन प्रीस्ट को तुम ले जाओ मालवोलियो के पास, और जब तुम्हें लगा कि जो मालवोलियो है वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो तुम प्रीस्ट को वहाँ से ले आना, टेक ऑफ द प्रीस्ट फ्रॉम देयर. And then Feste hopes he is the first man disguised as clergyman, as then he approaches Malvolio and says that he had come to visit Malvolio the madman. सो गाइज, देखो जो फेस्टे वो बोलता है कि वो पहला ऐसा इंसान है जिसने अपने आप को डिस्गाइज किया है एज अ क्लर्जी मैन, और इस तरीके की बातें वो बोलता है. और उसके बाद वो मालवोलियो से जाकर मिलता है और बोलता है कि ही हैड कम टू विजिट मालवोलियो द मैड मैन, कि मतलब वो मालवोलियो द मैड मैन से मिलने आया है, कि मतलब ये चीज़ इन्होंने पूरी अनाउंस करवा दी है कि मालवोलियो सच में पागल हो गया है, मालवोलियो इज़ द मैड मैन. सो मालवोलियो बैग्स प्रीस्ट टोपेज टू फैच ओलिविया सो दैट होल मैस कैन बी स्ट्रेटन आउट. सो गाइज, देखो जब ये प्रीस्ट जाता है मालवोलियो से मिलने के लिए, एक तो कमरे में पूरा अंधेरा होता है, और मालवोलियो उस प्रीस्ट से बोलता है कि आप यहाँ पर प्लीज़ ओलिविया को बुला दीजिए ताकि जो ये पूरा मैस है ये क्लियर हो सके. प्रिटेंडिंग टू बी प्रीस्ट फेस्टे सेज दैट वाई डज मालवोलियो ओनली टॉक अबाउट वीमेन. सो गाइज, देखो जो फेस्टे है वो अपने आप को इस टाइम पर प्रीस्ट समझ रहा है, और प्रीस्ट की तरह ही बिहेव करते हुए प्रिटेंड करता है अपने आप को कि हाँ मैं प्रीस्ट हूँ. इस तरीके से प्रिटेंड करते हुए फेस्टे यहाँ पर बोलता है मालवोलियो को कि तुम हमेशा विमेन के बारे में ही बातें क्यों करते रहते हो. मालवोलियो सेज दैट ही हैज़ बीन सेवरली मिसट्रीटेड एंड लॉक्ड अप इन अ डार्क रूम बाय दीज जोकर्स मीनिंग टोबी एंड क्रू. सो गाइज, देखो फेस्टे को प्रीस्ट समझता है मालवोलियो, और मालवोलियो क्या बोलता है फेस्टे को कि मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया, मिसट्रीट किया गया एक तरीके से मुझे, और इस अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया गया इन जोकर्स के थ्रू, मतलब जो ये टोबी और ये पूरा ग्रुप है इन्होंने मुझे इस अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया. तो मतलब मालवोलियो यहाँ पर इन्हें जोकर कह के बोल रहा है, और उसे ये नहीं पता है कि जिस टोबी और क्रू को वो बोल रहा है फेस्टे उसी क्रू का एक मेंबर है और वही प्रीस्ट बनकर यहाँ पर आया है. मालवोलियो क्राइज एंड कंप्लेन्स अबाउट द डार्कनेस ऑफ द रूम. सो मालवोलियो जब वो रोता है, चिल्लाता है और कंप्लेन करता है कि ये जो रूम है ये बहुत ज़्यादा अंधेरा वाला है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है. एंड देन टोपेज आर्ग्यूज विद हिम ओवर डार्कनेस ऑफ द रूम एंड हिज सैनिटी. उसके बाद जो ये प्रीस्ट है ये आर्ग्यू करता है मालवोलियो के साथ कि अंधेरा इस कमरे में है या अंधेरा तुम्हारे खुद के दिल के अंदर है. एंड देन मालवोलियो सेज दैट ही इज एज सेन एज द प्रीस्ट इज. और मालवोलियो यहाँ पर क्या बोलता है कि ही इज एज सेन एज द प्रीस्ट, उसमें भी उतना ही दिमाग है जितना प्रीस्ट में है, वो एकदम ठीक है, वो पागल नहीं हुआ है, इज नॉट मैड एट ऑल. देन टॉपेज लीव्स आफ्टर आस्किंग हिम क्वेश्चंस एंड देन डिक्लेयरिंग दैट ही इज इनसेन. सो गाइस, देखो जब मालवोलियो बोलता है कि नहीं वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और वो बोलता है फेस्टे को कि बेशक से आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लो. एंड देन टोपेज जो प्रीस्ट है, मतलब जो फेस्टे है, वो पूछता है कुछ क्वेश्चंस मालवोलियो से, और उन क्वेश्चंस को पूछने के बाद वो डिक्लेयर कर देता है कि हाँ जो मालवोलियो है वो इनसेन है, मतलब मालवोलियो सच में ही पागल हो गया है. देन मारिया कमेंट्स दैट फेस्टे कुड हैव पुल्ड ऑफ प्रैंक विदाउट कॉस्ट्यूम सिंस वाइल्ड जोक डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू डिस्गाइज हिज वॉइस नॉट हिज लुक. सो गाइज, देखो ये सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं
टोबी फेस्टे मतलब जो टोपेस प्रीस्ट बनकर गया था, मारिया ये सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और मारिया क्या कमेंट करती है यहाँ पर कि फेस्टे को अपनी फिजिकल कॉस्ट्यूम पहनने की मतलब ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज जो ये पूरा प्रैंक था, जो ये पूरा जोक था, ये तो उसकी इस एबिलिटी पर डिपेंड करता था कि वो अपनी वॉइस को डिसगाइज कर पाता है या नहीं, ना कि उसकी फिजिकल अपेयरेंस। क्योंकि रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था तो उसकी फिजिकल डिसगाइज किसी को नहीं दिखी, बल्कि उसकी जो वॉइस डिसगाइज उसने की थी, जो अपनी वॉइस बदली थी, उसके ऊपर ही पूरा प्रैंक डिपेंड करता था। एंड देन टोबी टेल्स फेस्टे टू गो बैक टू मालवोलियो एंड प्ले हिमसेल्फ नॉट टोपेस एज इज एगर टू एंड द प्रैंक एज सून एज पॉसिबल। फेस्टे ऑब्लाइजेस। सो गाइज देखो, उसके बाद जो टोबी बेल्च है वो फेस्टे को दोबारा बोलता है कि तुम जाओ अंदर मालवोलियो के पास, और हाँ इस बार तुम प्रीस्ट वाला रोल प्ले मत करना, बल्कि तुम खुद फेस्टे बनकर ही अंदर जाओ, बिकॉज अब टोबी से वेट नहीं हो रहा होता है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये प्रैंक खत्म हो जाए। एंड देन फेस्टे उसकी बात मान जाता है, फेस्टे ऑब्लाइजेस। एंड देन फेस्टे रिटर्न्स टू मालवोलियो एंड सिंग्स वन ऑफ हिज कैची लिटिल सॉन्ग। सो टोबी के बोलने के बाद जो फेस्टे है वो मालवोलियो के पास आता है वापस और अपना एक गाना गाता है। एंड देन मालवोलियो रिकॉग्नाइजेस फेस्टेज वॉइस एंड बैग्स हिम टू फैच हिम अ पेन पेपर एंड लाइट सो दैट ही कैन राइट। सो गाइज देखो, जो मालवोलियो है वो फेस्टे की वॉइस पहचान लेता है जब वो गाना गाता है, और मालवोलियो फेस्टे से बोलता है कि प्लीज़, मतलब वो बैग करता है एक तरीके से, भीख मांगता है। वो बोलता है फेस्टे को, प्लीज़ मुझे पेन पेपर और थोड़ी सी लाइट जहाँ पर मिल जाए दे दो, बिकॉज मुझे कुछ लिखना है सो दैट आई कैन राइट। एंड देन फेस्टे ट्रीट्स मालवोलियो एज अ मैडमैन। सो गाइज देखो, जो फेस्टे है ये भी मालवोलियो को मैडमैन की तरह ही ट्रीट कर रहा है, इन सब का ही इनफैक्ट ये प्लान है। एंड देन मालवोलियो ट्राइज टू एक्सप्लेन टू दैट टोबी एंड क्रू हैव लॉक्ड हिम अप। सो गाइज देखो, मालवोलियो को जब फेस्टे मैडमैन की तरह ट्रीट कर रहा होता है तो मालवोलियो एक्सप्लेन करता है फेस्टे को कि नहीं, वो पागल नहीं है, बल्कि टोबी और जो उसके ग्रुप है उन्होंने उसको लॉक किया है इस रूम के अंदर। देन फेस्टे इन टोपेज़ वॉइस एडवाइजेज मालवोलियो टू गेट सम स्लीप। सो गाइज देखो, फेस्टे यहाँ पर टोपेज मतलब जो प्रीस्ट टोपेज था उसकी वॉइस में मालवोलियो को बोलता है कि तुम थोड़ा सो जाओ, तुम्हें थोड़ी नींद की ज़रूरत है। एंड देन ही प्रिटेंड्स टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद सर टोपेज अबाउट मालवोलियोज कंडीशन। उसके बाद गाइज फेस्टे क्या प्रिटेंड करता है कि रूम में फेस्टे भी हैं और प्रीस्ट टोपेज भी है, कि मतलब ये दोनों ही हैं, और अलग अलग आवाज़ में ये बात करता है कि मतलब जब प्रीस्ट वाली बातें बोलनी होती है तो प्रीस्ट की वॉइस में बोलता है, और जब खुद की बातें बोलनी होती है तो खुद की वॉइस में बोलता है। तो इस तरीके से ये प्रिटेंड करता है कि हाँ इसकी बात चल रही है प्रीस्ट के साथ अबाउट मालवोलियोज कंडीशन, कि मालवोलियो की कैसी कंडीशन है उसके बारे में। मालवोलियो बैग्स फेस्टे फॉर अ पेन एंड पेपर अगेन। सो गाइज देखो, मालवोलियो दोबारा फेस्टे को बोलता है कि प्लीज़ मुझे पेन और पेपर दे दो, एंड क्लेम्स दैट ही इज़ एज सेन एज एनीबडी इन इलायरा, और बोलता है कि वो भी बिल्कुल ठीक है जैसे इलायरा के और लोग हैं। एंड फेस्टे प्रोमिसज हिम टू फैच सम पेपर एंड पेन। जब मालवोलियो दोबारा पेपर और पेन मांगता है और बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है जैसे इलायरा के और लोग हैं, तो फेस्टे उसे प्रॉमिस करता है कि ठीक है, वो उसे पेन और पेपर दे देगा। एंड देन फेस्टे स्किप्स ऑफ सिंगिंग वाइल मालवोलियो रिमेंस लॉक्ड अप। सो गाइज फेस्टे वहाँ से गाना गाते हुए निकल जाता है और मालवोलियो को वहीं पर बंद रखा जाता है, मालवोलियो को अंदर ही छोड़ देता है, उसे पेन और पेपर भी नहीं देता है, और गाने गाते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। सो गाइज दिस सीन एंड्स हियर। एंड गाइज ये जो सीन है एक्ट 4 सीन 2 ये यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये सीन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद भी आप लोगों को इस सीन में या किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू गाइज कैन कॉन्टेक्ट मेरे इंस्टाग्राम और इधर एंड मेरे फेसबुक पेज, आई गिव द लिंक ऑफ बोथ द टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड येस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.